बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का ये जो मौजू है ये बताने वाला तो नहीं था, ना शेयर करने वाला है, ना किसी को ये बताने वाला है। ये सीना बसीना अमलियात होते हैं और ये सीनों में ही रहते हैं। तो अपने मुसलमान बहन भाइयों की सलाह के लिए जिस तरह का हम आजकल ये देख रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर, वो एक ऐसा काम चला हुआ है कि मेरे जैसे बंदे को भी समझ नहीं आ रही कि ये बताने वाला क्या बता रहा है, और अगर बता भी रहा है उसकी हकीकत कहाँ तक है, तो कोई समझ नहीं आ रही। तो उसके यानी कि इस्लाह करने के लिए, उसको दिखाने के लिए, समझाने के लिए ये एक चीज़ के कई नाम हैं, एक ही चीज़ के कई इस्तेमाल हैं। मैं जो दिखाने लगा हूँ इस एक बात को समझ के फिर आग जिस किसी ने आगे बढ़ना होगा वो आगे जाता जाए। आगे तो फिर वो लंबा चौड़ा एक गुलिस्तान है, लेकिन जो बेसिक्स हैं कि हम इस चीज़ से क्या क्या कर सकते होंगे। कोई औरत है, कोई मर्द है, कोई XYZ जिसे रुजत कहते हैं। आजकल ये मौजू चला हुआ है, रुजत हो गई, बंदिश हो गई, हमारे ऊपर फलाने ने किसी ने जादू कर दिया। तो इन सब सवालों का जवाब इसके अंदर है, सारे सवालों का जवाब इसके अंदर है। वो कैसे होगा, वो आपको इधर करके दिखाना है, प्रैक्टिकल बातों से नहीं कि हवा में बस मैं बातें करता जा रहा हूँ। आप उधर चले जाएँ, एक बखूर ले लें। भाई बखूर कौन सी ले लें, वो क्या करेगी, मेरे किस काम की है, उसका काम है खुशबू देना। वो खुशबू कौन सी होगी, सवाल ये कई सवाल हैं। ये जो हम बखूरों वाला सिलसिला दिखा रहे हैं, बखूरों का सिलसिला, ये बखूरात का सिलसिला है पूरा एक। अब ये पूरा जो सिलसिला है, पहले मैं बता दूं, जो समझता है हमारे ऊपर जादू है, वो ऐसा किसी किस्म का जादू है जो उतर ही नहीं रहा, तो वो मेरे पास आ भी नहीं सकता। हम जो इलाज करते हैं उसके लिए हमारे पास उसको आना होगा। तो काफ़ी सारे हमें फ़ोन आते हैं, ख़वातीन के भी, मर्दों के भी। तो कोई कनाडा में बैठा है, कोई अमेरिका में बैठा है, कोई KPK में बैठा है, कोई पेशावर में है, वो नहीं आ सकते। हर घर की अपनी अपनी एक कोई तरीक़ेकार होते हैं, तो वो इतना फोर्स भी नहीं किया जाता। हाँ, जो बहुत ही सीरियस हो जाएं कि भाई वो तो अब समझें कि अब जान जाने वाली है, तो जैसे डॉक्टर के पास जाया जाता है फिर वो तो आना ही होगा। तो हम अल्लाह के फजलो करम से रूहानी इलाज करते हैं, और इसी के अंदर ही मुशाहदा होता है, रूहानी इलाज के अंदर ही ये हकीकत है। तो अगर कोई नहीं आ सकता, ये उनके लिए बता रहे हैं कि वो क्या करेंगे, कि जादू भी है, रुजत भी है, बंदिश भी है, नौसत भी है, और वो जादूगर भी करता चला जा रहा है, दुश्मन भी अपने अमलियात करता चला जा रहा है, और वो अगला बंदा ये समझ रहा है कि मुझे तो शफा ही नहीं मिल रही, दवाइयाँ भी खा रहे हैं, डॉक्टरों को भी दिखा रहे हैं, सारा कुछ करवा लिया, लेकिन उनकी बात उधर ही है। ये अब रूहानी तौर पे एक ऐसी चीज़ आपको बना कर दिखाएँगे, बाकायदा उसका प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे कि ये चीज़ें कैसे बनती हैं। लेकिन ये मेरे करने वाला काम नहीं है, हम सिर्फ खुशबुओं का काम करते हैं। जैसे सफ़ेद ऊद हो गई, ऊद की हो गई, या उसके अलावा XYZ 17 अशम से लेके जोहल तक, बुर्ज हमली से लेके बुर्ज हो तक, ये सारी बखूरात होती हैं, मशरक़ की, शुमाल की, मगरब की, जनूब की। ये पूरा एक गुलिस्तान है बखूरात का। और वो हैरत वाली ये बात है कि वो शम्स वाली कमर वाली से नहीं मिल रही, वो दोनों मरीक से नहीं मिल रही, वो तीनों मिल के भी 4 से नहीं मिल रही। हर एक की अपनी अपनी एक नोयत है, और हमारे पास ये जो इलम है इसको सिर्फ जलाना ही दरकार है। जला के तो इसको रख दें, चाहे छत पर रख दें, सेहन में रख दें, तो जब आप जाके देखेंगे इसको तो सारी राख पड़ी होगी। इंशाअल्लाह ताला कोशिश करेंगे आपको इस वीडियो में वो बाकायदा जला कर दिखाएँ कि वो सारी जलती जलती राख कैसे बन जाती है। तो यहाँ पे बात करने का मौजू मेरा जो है वो है बंदिश, रुजत, नहूसत, जादू, XYZ दुश्मनों के किए करवाए। मेरे पास आने की भी किसी को ज़रूरत नहीं है, हम तो ये काम कर रहे हैं, TCS कर देते हैं। पहले गुसल भी किया करते थे, फिर वो लिक्विड होता है तो वो बड़ी मुश्किल हो जाती है, क्योंकि फिर वो सारा ख़राब हो जाता है। आज भेजा उसको एक हफ़्ते के बाद मिला है, तो इसका नुकसान कोई नहीं है। जो ख़वातीन हज़रात समझते हैं कि हमारे ऊपर इस किस्म का जादू है जो हमारी जान ही नहीं छोड़ रहा, या इस नोयत की बंदिश है, या कुछ भी है, तो वो हमारे जो गैर ज़रूरी बाल जो दीन इस्लाम में हमें उतारने का हुक्म है, ये उनका मैं बता रहा हूँ। ये चीज़ें उसको TCS कर दी जाएंगी, फिर उसको तरीका बता दिया जाएगा, बनाएंगे वो खुद अपने हाथों से, अपने हाथों से इसको तैयार करके बना के जब इसको जलाएंगे तो जारी सी बात है, जिसके बाल हैं उसी के बाल हैं, जिसके नाखून हैं उसी के नाखून हैं। तो वो सारी चीज़ें जितनी भी वो हमारे जिस्म के ऊपर मनफी शुआएँ अपना वजूद रखती हैं ना, वो डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, वो टूट जाती हैं, उनका ज़ोर टूट जाता है। तो मेरे भाई ये करने वाला काम नहीं है, हम तो शुबहों वाला करते हैं। अगर कोई ये समझता है अपने जिस्म के गैर ज़रूरी बाल अपने पाँव के ना हों, अपने हाथों के ना हों, उनको उतार के इन चीज़ों के अंदर शामिल करके फिर ये चीज़ें कैसे बनती हैं, जैसे मैं ये आपको ये दिखा रहा हूँ, ये इसी तरह ही बनेगी, पूरी ट्यूब बनेगी। चाहे आप हाथों से बना लें, कोई शेप बना लें, मुरबा बना लें, लंबी खड़ी कर दें, छोटी बना लें, टिकिया बना लें, एक्स वाई जेड कोई कुछ भी कर सकता है, लेकिन उसको एक शक्ल देने के लिए इस तरह भी बन जाती है। इसके अंदर भराई करके तो आप ऐसे करके करेंगे, वो पूरी स्टिक जैसी ये है वैसी बाहर आ जाएगी। तो ये उन अफराद के लिए है जो ये समझते हैं कि हमारे ऊपर ऐसा जादू है, ऐसी बंदिश है, ऐसी रुजत है कि दुश्मन हमारा बाज नहीं आ रहा, हमारे ऊपर अमल करता ही चला जा रहा है और मेरे पास भी आने की ज़रूरत नहीं है। मेरे पास तो बड़े सीरियस आते हैं मरीज़ जो समझें मौत तक चले गए हैं, उनका इलाज नहीं हो पा रहा, डॉक्टरी दवाई भी असर नहीं कर रही। तो अब हम आपको ये प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे कि ये वो चीज़ें हैं जिनमें हम इनको बनाते हैं, जिनको तैयार करते हैं। ये हवा में बातें नहीं हो रही, ये हल्का सा नमूना दिखाया है, हमारे पास ढेर हैं। शम्स के, कमर के, मरीख के, मुश्तरा के, तारत के, सब के बखूरात होते हैं। अगरबत्ती भाई वो मैं अब उसके बारे में क्या कहूँ, वो तो यही है कि वो कचरा है। अगरबत्ती ये है जिनके साथ ये चीज़ें बनती हैं, फिर जब वो जलती हैं फिर अपना वो वजूद और असर भी रखती हैं। ये है इलम, फ़न अमलियात के जो बेसिक्स हैं ये उनके इलम हैं। हम अब आपको दिखाते हैं कि इनको तैयार करके कैसे बनाया जाता है। जिसको ये चीज़ें मिलेंगी, अगर वो इनमें से बना ले वो भी ठीक है, अपने हाथों से जो शक्ल देगा वो उसी शक्ल में ही बन जाएगी। सवाल का जवाब है, उसको जलाना है। इसको आप छत पर भी रखेंगे, पंखे के आगे भी रखेंगे ना, तो ये सारी जलेगी, ये बाज नहीं आएगी, ये सारी जल जाएगी। पीछे सिर्फ राख होगी, फिर उस राख को भी इस्तेमाल किया जाता है। वो है आगे तरीक़ेकार होते हैं। तो बहरहाल सबसे पहले जो हमारे गैर ज़रूरी अपने जिस्म के बाल होते हैं, नाखून होते हैं, ये उनका इलम है। इसके अलावा खुशबूयात, सितारों का कम्बिनेशन, सिमतों का, एलिमेंट्स का, आतशबाद, आब, हाक, उसके बाद बरूज, उसके बाद मनाजिल कमर, उसके बाद अल्लाह सुबहानो ताला के इसमें मुबारक, इन सब के अपने अपने अलग-अलग मेथड हैं। यह सब की बहूरात हैं। फिर इनके अंदर वो जो एनर्जीज़ होती हैं, जो पावर्स होती हैं, वो फिर रूहानियत को उजागर करती हैं। अगरबत्ती नहीं, आपको तो ये नहीं पता कि बनाने वाला अगरबत्ती क्रिश्चन है कि पता नहीं कौन है। तो बहरहाल इन चीज़ों को एक तरीके के साथ, उसके साथ फिर जिक्र चलता है, फिर साथ अल्लाह सुबहानो ताला की कलाम आती है। कोई ये नहीं साबित कर सकता अगरबत्ती बना रहा है, भाई अगरबत्ती बनाने वाला कौन होगा। ये वो चीज़ें हैं जो अपने हाथों से बनाई जाती हैं, जिस तरह का वो होगा उसी तरह की बना लेगा। हम तो इस तरह की बनाते हैं, लेकिन बालों की नहीं, वो उसने खुद बनानी है, हमारा वो काम नहीं है। उसके गंदगी है, वो अपनी गंदगी को अपने एक तरीके के साथ उसको डिस्ट्रॉय कर दे, उसको जला दे, उसको खाक बना दे। तो अब चलते हैं प्रैक्टिकल की तरफ कि इसको क्या किया जाएगा और ये चीज़ें कैसे बनेंगी। वो अगर मैं इसको बनाने पर आ गया तो ये तो बन जाएगी मेरे हाल 5 घंटे की वीडियो, बल्कि 2 दिनों की बन जाएगी, जितनी देर में उसने खुश्क होना है। तो आपको एक इल्मी तौर पे एक जायज़ा करवाने के लिए क्या करते हैं उसके ऊपर ज़रा गौर करें। लाएँ भी इधर, ज़रा दिखाएँ इनको, इधर रखें एक तरीके से ना, ख़राब ना हो। एक आगे चलें, लाएँ इधर साथ रख दें, 2 उसके साथ रखें, आगे चलें, इधर रखें, अब इधर रखें, अब इधर रखें। अब जगह नहीं है, आगे नहीं जाना क्योंकि फिर वो सारा गंद मच जाएगा। अभी आप ठहर जाएं, क्योंकि ये जितना ये कर दिया ना, वो बात को समझा रहे हैं असल में, ताकि वो देख लें कि ये हवा में या फर्जी बातें नहीं कर रहे, प्रैक्टिकल करके दिखा रहे हैं कि ये क्या चीज़ें होती हैं। अब जिस तरह ये देखें, ये तो एक छोटा सा नमूना है और भी बड़ा कुछ है। तो ये बात को दिखाने समझाने के लिए वाज़े तौर पे कि ये मटेरियल है, आप समझें कि मैंने अपने जिस्म की गंदगी के बाल उतार के गिराने थे, या मैंने अपने हाथों और पैरों के नाखून उतार के उसको फेंकना था। उसको फेंके ना, आप उसको किसी टिशू में महफूज करके रख लें। अब ये समझें मैंने आपको ये चीज़ें मैंने भेज दी, इन चीज़ों के अंदर आपने अपने बालों को नाखूनों को डाल के क्या करना है बेटा, चम्मच दिखाना ज़रा, ऐसे हाथ ख़राब हो जाएंगे, ये देखें ज़रा। आप ये समझें, मैं मिसाल दे रहा हूँ कि आपने इनके अंदर अपने बाल और नाखून वो डाल दिए, डाल के अब आपने इसको ये कर देना है, ये देखें, इस सारी चीज़ों को आपने अपने हाथों से मिक्स करते चले जाना है। ठीक हो गया, ये चीज़ बन गई। ये बनते 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 ये सारी जब यकजान हो जाएगी, आपकी सारे जिस्म के जो बाल हैं, जो आपके नाखून हैं, वो सारे इसके अंदर समा जाएंगे, बिल्कुल यकजान हो जाएंगे। उसके बाद वो जो पहले आपको बताया था कि वो आप स्टिक बना सकते हैं, आप कोई शक्कर बना सकते हैं, मुरब्बा बना सकते हैं, ये जल जाएगा। इसके अंदर कोई कोयला नहीं है, ये कोयला फ्री है। वो इंशाल्लाह ताला कोशिश करते हैं कि आपको उसको जलाकर भी सारा दिखा दें कि उसके बाद क्या होता है। तो ये एक बात को समझने के लिए ये सारा मिक्स कर दिया। ठीक हो गया, ये रूहानी तो फ़न अमलियात की बुनियाद पर मैं ये बात समझा रहा हूँ। तो इसको करने के बाद सारा मिक्स हो गया। अब आपके बाल भी इसके अंदर हैं, आपके नाखून भी इसके अंदर हैं, ये सारा इसको बना दिया। अब बनने के बाद वो कैसे चलेगा, क्या करेगा, चाहे आप उसको छत पे ले जाएं, छत पे जाके बस जिस तरह जलाना है जला के आप उसको रख दें। आप हैरान हो जाएंगे, इतनी हवा भी चल रही होगी, वो सारी राख पड़ी होगी। सहन है, सहन में कर दें, कमरे में करेंगे तो बदबू आएगी। जब बाल और नाखून जलते हैं उनकी बड़ी बदबू होती है, तो घर से बाहर इसको कर दें। जितनी भी नौसत है, जितनी भी बंदिश है, जितना भी जादू है, अल्लाह के फजल व करम से जो हमारे जिस्म के ऊपर हमारे बाल, हमारे नाखून हमारे जिस्म का एक हिस्सा हैं, हम प्रैक्टिकली तौर पे हमारे पास जितने भी मरीज़ आते हैं हम ये काम करते हैं, करते करवाते हैं। वो एक अलहदा बात है कि उनको मतलब बालों वाला वो एक अलहदा किस्सा आ जाता है, फिर वो कहते हैं जी आप ही करके दें, हमने तो उसको हाथ भी नहीं लगाना होता, वो तो गंदगी है, वो खुद करे। हम उनको वैसे दे देते हैं, शमस की हो गई, कमर की हो गई, मरीज की हो गई, उनको सारे वो जो गुसल करते हैं, गुसल के साथ साथ वो भी काम हो जाता है। तो इसी तरह आप समझें, अब आपके बाल और नाखून इस सारे मेथड के अंदर आ चुके हैं। अब इसको आपने तैयार करना है, कैसे करना है वो जो इसको लेगा उसको बताएंगे इसको अब करना क्या है, मतलब किस तरह बनाएगा वो ये सारा बन जाएगा। फिर बनने के बाद इसकी शक्ल किस तरह बनेगी उसको दिखाते हैं, और उसको बनाकर जलाकर दिखाते हैं कि जलाने के बाद वो क्या करेगा। तो जैसे जैसे आपके नाखून, ये पूरा कोर्स है, ये 28 दिनों का मुकम्मल एक कोर्स है। एक दिन नहीं, दो दिन नहीं, हफ्ता नहीं, ये 28 दिनों का पूरा आपको ये एक मटेरियल समझें भेजा जाएगा। उसको ये 28 आपकी स्टिकें बनेंगी, ज़्यादा बन जाएँ, कम अज़ कम 28 होने चाहिए मनाजिल कमर के असूल के मुताबिक, कम अज़ कम 28, ज़्यादा चाहे जितनी मर्जी हो जाए, 29 हो जाएँ, 30 हो जाएँ, उसको बस जला दें। तो सारा जादू ये वो XYZ जो भी महसूस करता है बंदा उस वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा अल्लाह के फजल व करम से। ये फ़न अमलियात की मैं बात कर रहा हूँ, फ़न अमलियात, ये आर्ट है, ये फ़न अमलियात है। ये हो गया, अब आपको दिखाते हैं जो बनेगा वो किस शक्ल में, जैसे हम बनाते हैं वो किस शक्ल में बनेगी, उसके बाद उसको क्या करेंगे अब वो देखें। अब जिस तरह पहले आपको ये सारा दिखाया था किस तरह ये सारा यकजान हो गया, उसके बाद इसकी ये शक्ल बन जाएगी, ये देखें, ये वैसे है, ये ऐसे है। ठीक हो गया, ये इसी तरह ये हम बनाते हैं, ये पूरी देखें, ये स्टिक्स हैं, ये देखें, ये पूरी ऐसे स्टिक्स बनी हुई हैं, ये देखें। इसी तरह ये आपने इसको ऐसे ये चलाक पड़ा हुआ है, अभी आपको ये करके भी दिखाते हैं। इसके बाद क्या करेंगे, ये इस तरह बन गया है, आप अपने हाथों से इसको बनाएंगे अल्लाह के फजल व करम से। इसी तरह 28 की तादाद में हमारे पास तो ये ढेरों पड़े हुए हैं, ढेरों के ढेर हैं। तो ये इस तरह बनाने के बाद आपके अब ये आम नहीं रह गई जिस तरह इसमें बताया था, अब इसके अंदर आपके बाल भी हैं, आपके नाखून भी हैं। ये वो चीज़ है, मेरे नहीं, जो करेगा उसी के ही हैं, उसके जिस्म के हैं, जिसके ऊपर वो चीज़ें आके हमला करती हैं और वो रुजत का शिकार हो जाता है, बंदिश का शिकार हो जाता है, फिर उसके ऊपर जादू हो जाता है। इस बात को लेकर समझें, तो ये इसी तरह ही बन जाएंगी, ये देखें। अब इसको जला के दिखाते हैं कि अब इसके बाद इसको क्या करेंगे। जब इसको रोशन किया तो घर के बाहर छत के ऊपर सहन जो है वहाँ पे, चाहे घर के बाहर मैं जहाँ पे भी मर्जी रख दूँ। अगर कमरे में करेंगे तो उसकी बदबू आएगी, जब बाल और वो नाखून वगैरह जलते हैं ना, बदबू आती है। तो अब दिखाते हैं आपको कि अब इसको समझें कि ये चिराग है, शमा है, चूल्हा है, एक्स वाई जेड कोई भी जलाने वाली चीज़ है, एक मरतबा इसको अच्छी तरह आग देनी होगी तो फिर ये चलेगा। इसको ज़रा साइड पे कर लें। तो इनको दिखाते हैं कि ये फिर जब जलती है तो उसकी सिर्फ वहाँ पे राख ही पड़ी होती है। इस तरीके से ये फ़न अमलियात के जो रूल्स एंड रेगुलेशन है ना, ये इस तरह चीज़ें बनती हैं। इस तरह आग ले लें, शमा की ले लें, चिराग की ले लें, सुई गैस की ले लें, जो भी चूल्हा आपके पास है उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये उसी मिसाल की तरह के ये समझें, इसके अंदर आपके जिस्म के एलिमेंट मौजूद हैं। अब ये आम नहीं रह गई, अब ये कुछ और चीज़ बन चुकी है, क्योंकि ये प्लास्टिक है। अच्छा, प्लास्टिक, लकड़ी या किसी भी ऐसी चीज़ पे इसको नहीं रखना। ये इंतहाई तेज़ किस्म की आग होती है, ये लकड़ी को भी जला देगी, ये प्लास्टिक को मेल्ट कर देगी, ये सारा ख़राब कर देगी। हमारे पास भी जो ट्रे है ये प्लास्टिक है, ये ख़राब हो जाएगा। उसके लिए ऐसे धात हो, जैसे प्याला हो, कोई ऐसी चीज़ हो उसके ऊपर। तो ये देखें, ये समझें, अब उस तरह तैयार कर लिया। तैयार करने के बाद इसको इस तरह ये आग दे दी, आग में रखें। इसके साथ पढ़ाई चलती है, साथ कलाम चलती है, बड़ी एक स्पेशल किस्म की कुरान पाक की। ये पूरा एक सिलसिला है। इस तरह आपने इसको ये करते जाना है, अच्छी तरह इसको ना एक मरतबा आग देनी है, उसके बाद इसको रख देना है। तेज़ हवा हो, चाहे पंखा चलाएँ, जो मर्ज़ी करें, ये बाज आने वाली नहीं। ये सारी राख ही पड़ी होगी, तो राख है उसको भी फेंकना नहीं है, संभाल के रखना है, उसका भी एक इस्तेमाल है। जादू है, बंदश है, नुसत है, एक्स वाई जेड कुछ भी है, जिस्म के ऊपर आने वाली चीज़ें ये जो गर्दश करती हैं फिर वो ठहर जाती हैं। ये देखें, यहाँ तक हो गया है, लेकिन मैं ज़रा और आसानी के लिए इसको ज़रा और गर्म कर लें, क्योंकि मैं तो ये एक वीडियो में ही दिखा रहा हूँ ताकि समझ आ जाए क्या दिखा रहे हैं। सिर्फ ये नहीं कि बात ही करनी होती है, ज़रा तहकीक भी करते हैं। ये देख रहे हैं, ये धुआं निकल रहा है सारा। ये समझें, जो एलिमेंट इसके अंदर हैं, जैसे आपके बाल हैं, जैसे आपके नाखून हैं, ये इसी तरह ही हवा में, हवा यानी कि ये सारे आपके ऊपर आने वाली जितनी भी नेगेटिविटी है, इसने हवा में उसको बखेर देना है। उसको बखेर भी देगा, पानी में डबो भी देगा, अल्लाह के फजलो करम से। इस तरह के ये अमल हैं। तो इसको ये देखें, ये सारा एक मिसाल के तौर पे कि सारा कुछ इसके अंदर ही है। अब ये जलता जा रहा है, ये देखें, ये सारी राख आपको नज़र आएगी। अल्लाह के फजल और करम से ये पूरी जलेगी, राख ऐसे ही पड़ी रहेगी। कोशिश करते हैं कि आपको इसी तरह करके दिखाएं ताकि वाज़े तौर पे बात आपको समझ में आ जाए कि हम आपको ये क्या दिखाना चाह रहे हैं। और बेटा दिखाना ज़रा, मैं इसको ज़रा बंद कर दूँ, इसकी ज़रूरत नहीं है, इसको आप बंद कर दें। चाहे आपके पास शमा है, सिर्फ इसको रेड करना था, ठीक हो गया, इसको बंद कर दें। ये नज़र आ रहा है धुआं, ये देखें, ये सारा ये स्मोक है। आप उसको भी छोड़ें, आप राख को देखें। ये बेटा पंखा चलाना ज़रा, ताकि जल्दी जल्दी ये ना वक़्त जाता जा रहा है। हाँ, पंखा चलाएं ज़रा, ताकि जल्दी जल्दी बात को समझने में आसानी आ जाए। ये देखें, अब आपके लिए पंखा भी जला दिया है, यानी कि पंखा चला दिया है ताकि ये इसको हवा लगे और ये किस तरह जल जल के आगे जाती जा रही है, इसके ऊपर गौर करें। बेटा ये वीडियो में नज़र आ रहा है धुआं, ये देखें, ये सारा स्मोक निकल रहा है। ये है बखूर, ये है इल्मुल बखूर। अगरबत्ती नहीं, वो तो कचरा है, पता नहीं बनाने वाला कौन है और वो कौन कौन सी चीज़ें लेके केमिकलों को डाल डूल के। ये केमिकल नहीं है, इसलिए इस चीज़ को दिखाने का ये हमारा मकसद था। ये केमिकल नहीं है, केमिकल होते तो ये चीज़ ऐसे बनती ना। धुएँ को भी आप रहने दें, सिर्फ ये जो राख बनती जा रही है जलती हुई, इसके ऊपर गौर रखें, तवज्जो करें। बेटा मुझे आप ना लाएँ, सिर्फ इसी को रखें, इसको दिखाएं ज़रा, ताकि वाज़े तौर पे वो देख लें कि ये क्या कर रही है। पंखा भी चला दिया ताकि जल्दी जल्दी जो कर दिखाना चाह रहे हैं, जो बात करना चाह रहे हैं, ज़रा समझ में आ जाए। नीचे लकड़ी रखना, प्लास्टिक की कोई चीज़ रखना या ऐसी कोई चीज़ रखना जैसे कपड़ा हो गया, कभी भी नहीं। कोई धात हो जाए, लोहा हो जाए, सिल्वर हो जाए, पीतल हो जाए, स्टील हो जाए, कोई ऐसी चीज़ इसके शीशे के ऊपर भी, ये शीशे को भी क्रैक कर देगी, इतनी तेज़ ये इसके अंदर आग है। मैं कोशिश करूँगा इसको हल्का सा राख हटा के, बल्कि पंखा चल रहा है, खुद ही ये राख अगर हटेगी आप देखेंगे पूरा आग का शोला उसके अंदर रोशन है। तो ये तो उसको जला देगा सारा, उसको प्लास्टिक को मेल्ट कर देगा। पत्थर की कोई चीज़ हो जाए, धात की कोई चीज़ हो जाए, उसके ऊपर इसको रखते हैं। बस आप गौर करते जाएं। हम जो बनाकर देते हैं वो जिस तरह ये मटेरियल आपको बनाकर दिखाया है, जैसे आपने इसके अंदर बाल डाले हैं, इसके अंदर फलीता जात होते हैं, इसके अंदर तावीज़ात होते हैं, फलीते होते हैं, उनका पूरा एक रब्त होता है। फिर वो साथ साथ फलीते जलते जाते हैं, इसी तरह ये आग निकलती जाती है। साथ ये इस गंदगी को निकाल के अपने आप को क्लींस करने के लिए फिर कुरान पाक की तलावत की जाती है कि गंदगी को बाहर निकाल के तो अपने आप को अल्लाह सुब्हानो तआला के नूर से साफ़ किया जाए। हमारे पास ये है, यानी कि ये तो बाल समझे, बाल जल रहे हैं, नाखून जल रहे हैं, फलीते भी जल रहे हैं, वो भी इंशाल्लाह आपको वीडियो दिखाएंगे, बल्कि काट के दिखाएंगे कि ये इस तरह की स्टिक थी तो इसके अंदर था क्या, तो वो पूरा फलीता अल्लाह के फजल व करम से उस मरीज़ का नाम तक लिखा होगा, वो सारा खोल कर दिखाएँगे कि ये इस तरह ये चीज़ ये है, बाजार तो ये है लेकिन उसके अंदर ये है, ये फ़न अमलियात है। ये सारा धुआं आ रहा है, सारी जलती जा रही है। ऊपर ऊपर आप राख देखते जाएं, राख आपको बताएगी कि नीचे कितना तेज़ शोला है, वो उसको जलाते चला जा रहा है और ऊपर सारी राख बनती जा रही है। अब पता नहीं पंखे की वजह से, उसकी हवा से ये राख गिर ना जाए, आप हैरान हो जाएंगे। जिस तरह ये एक स्टिक खड़ी है, इसी तरह इसकी राख भी ऐसे ही खड़ी है। जैसे सर्दियों का मौसम होता है, सर्दियों में पंखा नहीं लगाया जाता, तो जब आप इसको ऐसे रखते हैं, हमने तो देखे हुए हैं, ये जितनी को चाहे उतनी बड़ी हम बना के उसको दे सकते हैं, जितनी वो चाहे, यानी कि 1 फुट, 2 फुट, 5 फुट, 10 फुट तक ये बखूर हम बना सकते हैं, इससे भी ज़्यादा। यानी कि वो पूरा पूरा महीना जलने वाली बखूर है, पूरा पूरा महीना। ये तो एक छोटा सा नमूना दिखा रहे हैं यहाँ पे। ये ज़रा बेटा एक मरतबा पंखा बंद करें ताकि ज़रा दिखाएं ये कहाँ तक चली और वो आगे कर क्या रही है। ये रुकने वाली नहीं है अल्लाह के फजल व करम से। ये देखें, ये धुआं सीधा हो गया है, आ रहा नज़र, धुआं भी, राख भी, नीचे देखें शोला है, तो वो सारा उसको लेकर जाता जा रहा है।